नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, चाहे कुत्ते हो या फिर बंदर हो, तभी तक आपको परेशान करेगा, आपके पीछे पीछे दौड़ेगा जब तक आप भागेंगे। जिस समय आप एक पत्थर उठा लेंगे उस पर मार देंगे, कुत्ते और बंदर सब भौंकना बंद कर देगा, सब भाग जाएगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब की बार भारत ने यह साबित फिर से किया है। दोस्तों हाल ही में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान के टॉप कमांडर, पाकिस्तान का जो भी टॉप सेना का आर्मी कमांडर है, वो चीन जा चुका है। और चीन का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, वहाँ पे जाके चीनी आर्मी को अब ट्रेन दे रहा है किस प्रकार से भारत पे अटैक करना चाहिए, जिसे भारत को हराना संभव होगा और किस प्रकार से दो फ्रंट वार होगा। दोस्तों पूरे दुनिया हैरान हो गया है, क्योंकि पहली बार चाइना ने इतना बड़ा दुस्साहस किया है और पहली बार चाइनीज आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक होकर काम कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के पास पिछले 70 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, सब कुछ आज वह वेस्टर्न थिएटर कमांड में यानी कि चीन में खास तौर पर शेयर कर रहा है। दोस्तों ये अभी वहाँ पर चल ही रहा है और हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भारत ने एक ऐसा तौर अपनाया है, इस तौर से भारत एक ही समय में एक ही बार में पाकिस्तान चीन को केवल कुछ दिन यानी कि केवल 7 से 10 दिन में हरा देगा, उसे बर्बाद कर देगा। दोस्तों इसी को बोलते हैं जैसी कि तैसी, तुम्हें कोई पत्थर मारे तुम उसे ईंट से कबाड़ फोड़ो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है। और चाइना और पाकिस्तान जो मीटिंग कर रहा है, क्या यह तीसरा विश्वयुद्ध का ऐलान हो चुका है, क्या अब युद्ध की तैयारी चल रहा है? दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं जब किसी इंसान का किसी के सामने में बस न चले तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, वो बेहद ही फ्रस्ट्रेशन में आता है, मन करता है किसी का कपार फोड़ दे या खुद का फोड़ ले। दोस्तों ऐसा माहौल बनता है, सेम टू सेम हाल चीन का आज हुआ है। आप लोग जानते हैं आज से केवल 2 साल पहले चीनी लोग को, चीनी सरकार को एक वहम हो गया था, उसे लग रहा था कि अरे भाई हम यूं जाएंगे इंडिया और भारत पे ऐसे हम लोग अटैक कर देंगे, भारत में घुस जाएंगे, कोई हमें क्या रोकेगा। यानी कि चीनी लोग हमेशा हम लोग को हल्का में लेके चल रहा था, उसे लग रहा था कि भारत पे जाना और आना बिल्कुल आसान है, जाएंगे और आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें कौन रोकेगा, हम तो मां शक्ति है, भारत हमसे पंगा लेगा ही नहीं। दोस्तों यही उसका जो वहम है, भारत ने केवल 2 साल में तोड़ा है। और चीन आज बुरी तरह से बर्बाद हो गया है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में है, करे तो करेगा, चीन का आज एक ही बात नहीं चल रहा है। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीना में, दोस्तों बड़ी बात है, आप जानते हैं चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, यानी कि भारत से युद्ध करने के लिए चीन ने एक थिएटर कमांड बनाया है, वो है वेस्टर्न थिएटर कमांड, जिसके अंदर चीन के तमाम खतरनाक जो भी फाइटर प्लेन है, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 से अधिक लाख वहाँ पे सेना है। इतना ही नहीं, भारत से लड़ने के लिए तमाम मिसाइलें हैं, सब कुछ है दोस्तों वेस्टर्न थिएटर कमांड में, ठीक है। तो उस थिएटर कमांड में कम से कम 4 से 5 जो बड़े बड़े कमांडर, यानी कि थिएटर कमांड का जो टॉप का कमांडर से बदल चुका है। दोस्तों केवल कुछ महीना में 5 बड़े बड़े टॉप कमांडर को चीन ने बदला है। पता क्यों? चीन को दोस्तों यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार यह सब अभी हो रहा है, यानी कि जिसे भी वो चुनता है वो भारत से पंगा ले नहीं पाता है। चीन सबको चुनता है इसीलिए ताकि ये बंदा आएगा तो भारत पे प्रभाव बनाएगा, भारत पे दबाव बनाएगा और हमारा जो इमेज है वो अच्छा करेगा। लेकिन दोस्तों पांचों टॉप का कमांडर खासतौर पे बदलाव हो चुका है, लेकिन भारत पे कोई प्रभाव अभी तक नहीं बना है, ना कोई दबाव बना है। उल्टा चीन का इमेज और मिट्टी में मिल चुका है। जिस चीन को दुनिया महाशक्ति बोलता था, सुपर पावर बोलता था, दोस्तों आज दुनिया सीना ठोक के बोल रहा है कि चीन केवल फेंक रहा था। सच्चाई तो यह है कि एकमात्र भारत देश है जो चीन का औकात दिखाया है। और आप जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया के लगभग हर देश, चाहे चीन का मित्र देश रसिया हो या फिर दुनिया का सबसे सफल देश अमेरिका हो, यूरोप हो, सबने बोला है कि कम से कम चीन का गलवान घाटी में 40 से अधिक सेना मरा था और भारत का 20 सेना शहीद हुआ। दोस्तों ये सबका रिपोर्ट है। तो चीन का जो इमेज है कहीं ना कहीं आज धूल में मिल चुका है, इसीलिए चीन आज हर महीने अपना टॉप कमांडर बदलाव कर रहा है, ताकि लग रहा है कि नया आएगा तो कुछ नया करेगा। और सब कुछ करने के बाद जब भारत पे कोई प्रभाव नहीं बना, भारत उल्टा चीन पे एक्शन ले रहा था,
बड़ी बात तो यह है, चीन को आज से बुरी तरह से हम लोग हर क्षेत्र में आज उसका औकात दिखा रहे हैं। अब चीन फ्रस्ट्रेशन में आ गया है और भारत को ये बताना चाह रहा है कि उस पर हम डबल अटैक करेंगे। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान का जो टॉप कमांडर है यानी कि आर्मी का टॉप जनरल है, आर्मी चीफ है दोस्तों, सब चीन में आज है, वहाँ पे मीटिंग चल रहा है किस प्रकार से भारत से लड़ा जाए, कैसे भारत को झुकाया जाए, कैसे भारतीय आर्मी को कमजोर किया जाए, और पाकिस्तान के पास जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर चाइना ही हमारे सामने में झुक जाएगा तो सिंपल सी बात करें तो पाकिस्तान का जो हिम्मत से ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं आप, वर्तमान में पाकिस्तान भारत से लड़ने से कतरा रहा है। पाकिस्तानी पीएम अब बार बार बोल रहा है कि हम शांति चाहते हैं। उसे पता है जब हमारा गुरु ही अब कुछ नहीं कर पा रहा है, हाथ पर मार रहा है, तो हम क्या करेंगे। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, हमारा इमेज एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई चलो ये तो सही है, लेकिन पाकिस्तान अपना आइडिया शेयर करेगा तो हमारे लिए नुकसान होगा ना, पाकिस्तान चीन दोनों मिलकर काम करेगा तो हमारे ऊपर दबाव बनेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और है, जिस कंट्री से चाइना सवाल ले रहा है, जिस पाकिस्तान से उम्मीद किया हुआ है, इतिहास में उस पाकिस्तान को हम लोग बुरी तरह से हराए हैं, यानी कि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा है, और जो हारता है वो दूसरे को भी हारने वाला गुण देगा, तो चीन का भी दोस्तों हार अब तय है। और तीसरी बात तो यह है कि हम लोगों को अब ओपनली एक मोर्चा खोलना होगा, चीन को ये दिखाना होगा कि जब तुम पाकिस्तान से मिलके डबल फ्रंट खोल दिया है तो हम तुम्हारे खिलाफ पांचवा फ्रंट खोल, यानी कि पांच फ्रंट खोलेंगे। दोस्तों भारत को बहुत जल्दी जापान से आन जान बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे से दोस्ती करना और अच्छा करना होगा, और मिलिट्री जो भी वगैरह पैक्ट वो साइन करना होगा, और भारत को साथ ही ताइवान से दोस्ती करना होगा, खासतौर पर बड़े बड़े मिलिट्री पैक्ट साइन करना होगा, साथ ही साउथ कोरिया, साथ ही वियतनाम, इतना ही नहीं भारत चाहे तो आउटर मंगोलिया। दोस्तों ये पांच छह देश है ना जो चीन को हमेशा डुबाने के लिए तैयार रहते हैं, वो चीन का पड़ोसी है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग चाहे तो छह देश को मिला के और चीन पर दबाव बना सकते हैं कि जब तुम डबल अटैक करोगे तो हम तुम पे छह से सात अटैक करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग को अब आगे आना ही होगा चीन को का दिखाने के लिए, ये सब जरूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई पाकिस्तान भारत में कई बार युद्ध हो चुका है, चीन भारत में युद्ध हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान और चीन मिल चुका है तो जापान हमारा साथ क्यों देगा। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, जापान और चीन में वर्ल्ड वार टू से पहले कई बार युद्ध हुआ है, चीन का कम से कम लाखों लाखों आदमी जापान ने मारा है, तो कह सकते कि कट्टर दुश्मन यहाँ से है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा, ताइवान और चीन दोस्तों युद्ध से भी खतरनाक मोड़ पे पहुंचा हुआ है, तो सिंपल सी बात करें तो हमारे से बेहतर झगड़ा ताइवान चीन में है। दोस्तों वियतनाम चीन में युद्ध हो चुका है, जिस युद्ध में चीन का 50 एयर सैनिक मारा गया था। दोस्तों हम जितना देश का नाम लिए ना, चाहे आउटर मंगोलिया, ये तमाम देश चीन का कट्टर दुश्मन है, यानी जिस प्रकार से हम लोग चीन का दुश्मन है, हमारे साथ चीन का युद्ध हुआ है, उसी प्रकार से इन तमाम देशों को कहीं ना कहीं युद्ध हुआ या फिर कोई ना कोई समस्या है। कह सकते हैं कि अगर हम लोग चाहे तो उसका नेतृत्व कर सकते हैं और चीन को बोल सकते हैं कि तुम्हारे सामने में हमारा एक अलग ही ग्रुप है, तुम्हें डुबा डुबा के मारेंगे, और वैसे भी तुम चाह के भी हमें कुछ नहीं कर पाओगे, पाकिस्तान चीन मिलवेगा ना तभी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान के पास जो भी सेना है, जो भी आर्मी है, वो आज कंगाली की हालत पे पहुंच चुका है, और दूसरी ओर चाइना के पास जो भी आर्मी है, उसका चाइना का बहुत सारा दुश्मन है, चीन अपना आर्मी को जगह जगह लगाया हुआ है, कुछ आर्मी साउथ चाइना सी में है, कुछ अमेरिका के लिए है, कुछ यूरोप के लिए है, कुछ जापान के लिए है, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है चीन, यानी कि हम लोग पूरे जोर से चीन पर हमला करेंगे, चीन को सुहा कर देंगे। इसीलिए चीन का ये पॉलिसी काम आने वाला है नहीं, चीन केवल डिंग डंग हक रहा है।